सर, आलू व्यापारी को गोली मारने वाले 3 जवान बर्खास्त हुए हैं, ये सही बात है? हमें एक एक अपने सिपाही पर गर्व है, एक एक हवलदार पर गर्व है, एक एक दरोगा, एक एक इंस्पेक्टर, एक एक डीएसपी, एक एक एसपी, ये सब कोरोना के खिलाफ जंग में, जनता की सेवा में जुटे हुए हैं रात दिन, अपने जान को हथेली पर लेकर के। और ये सिपाही हमारी नींव हैं, हवलदार हमारी नींव हैं, लेकिन सिपाही की वर्दी में अगर कोई अपराधी आ गया तो उसको अपराधी की तरह हम ट्रीट करेंगे। कोई एक्सटॉर्शन करे, उसके लिए कोई गोली मार दे तो उसको हम छोड़ देंगे? एक व्यापारी के साथ एक्सटॉर्शन करने के लिए, पैसा उसे लूटने के लिए, और इनकी ड्यूटी भी नहीं की और इन्होंने उसको गोली मार दी। तीनों को गिरफ्तार किया गया, तीनों को मेरे आदेश से जेल भेजा गया, और उसी दिन, 2 दिन के अंदर, 2 दिन पहले की घटना है, उनको संविधान की धारा 311 में डिसमिस कर दिया गया और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक सिपाही को मेरा सलाम, एक एक हवलदार को मेरा सलाम, एक एक दरोगा, एक एक इंस्पेक्टर को मेरा सलाम, लेकिन वर्दी की आड़ में जो माफिया गिरी करेगा, अपराध करेगा, अपराधियों को संरक्षण देगा और शराब माफियों के साथ मिलकर के शराब की तस्करी करेगा, कराएगा, उसको इसी तरह से एक दिन में डिसमिस कर दिया जाए।